जी स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, इसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और कैसे इनको मेजर किया जाता है, और इस यूनिट में आपको फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड और उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, आप अपनी ऐसी कोई भी एग्जाम्पल अपने देखें और सोचें कि किस तरह की क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो मेजरेबल क्वांटिटीज में आप कोई एग्जाम्पल दूं तो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी ऐसी चीज मार्केट से लेने जाते हैं जिसका आपको वेट करना पड़ता है, यानी कि उसका मास फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम मेजरेबल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है मास, एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा जब आप मार्केट में जाते हैं कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज लेने के लिए, शीट लेने के लिए, और उसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर करना जरूरी है। और इसके अलावा हमारे पास क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी, टेम्परेचर है जिसको आपको मेजर करना पड़ता है, राइट, टेम्परेचर हो गया। उसके अलावा, टेम्परेचर के अलावा हमारे पास है टाइम जो आप मेजर करते हैं, ठीक है। ऑलवेज आप टाइम, आप हमारी डेली रूटीन का एक ऐसा हिस्सा है कि हम सुबह टाइम पे उठते हैं, स्कूल जाते हैं और वो सारे काम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो टाइम भी मेजर करके ही हम काम करते हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, तो इन सब क्वांटिटीज को हम मेजरेबल क्वांटिटीज कहते हैं, और ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फिजिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन के। मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, सच एज लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम मेजरेबल क्वांटिटीज कहते हैं और इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, तो आपने इजीली अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज का मास फाइंड करना चाहते हैं तो आपको या तो किलोग्राम्स में यूज करना पड़ेगा, किलोग्राम में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूनिट्स हैं मास को मेजर करने के लिए, लेकिन बेसिकली आपने इसको मेजर करना है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक होती है बेस क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है। बेसिकली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फाउंडेशन है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और बेस क्वांटिटीज होती है वो ओनली 7 होती है, ठीक है, ये सिर्फ 7 है। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज जो इस बेस क्वांटिटी से हम डिराइव करते हैं उनको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं, और दे आर अनलिमिटेड, बहुत सारी हैं। बेसिकली बेसिक जो क्वांटिटीज हैं वो ओनली 7 है, और बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज से डिराइव की जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, जो 7 क्वांटिटीज हैं वो कौन सी, उनके नेम्स क्या हैं, उनको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनमें पहली है मास, उसके बाद सेकेंड है लेंथ, उसके बाद थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, एंड सिक्स्थ इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेवन वन इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। जी स्टूडेंट्स, तो ये है बेस क्वांटिटी, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, और इसको हम मेजर करते हैं, इनके कुछ यूनिट्स हैं, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज जो इन क्वांटिटीज से डिराइव की जाती है उनको हम
डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये वेरी सिंपल है, आई होप सो आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या फर्क होता है और इनकी क्या डिफरेंस है। डिराइव्ड क्वांटिटीज को देख लेते हैं, वो क्या होती है। डिराइव क्वांटिटीज जो है वो इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी डिराइव क्वांटिटीज हम देख लेते हैं कि क्या होती है। डिराइव क्वांटिटीज में आप देखें तो दीज आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की टर्म में डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज है एरिया, इसके अलावा है वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क। दीज आर द डिराइव क्वांटिटीज और ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ऐसी जो डिराइव क्वांटिटीज होती है। एरिया क्यों एक डिराइव क्वांटिटीज है में से है, क्योंकि एरिया जो है वो मेयर किया जाता है इन लेंथ। ठीक है, तो लेंथ जो है वो एक डिराइव बेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम भी लेंथ में मेयर करते हैं हम। ठीक है, इसमें लेंथ इन्वॉल्व होती है। जो भी आप किसी भी जो भी आपके पास शेप है उसका आप अगर वॉल्यूम फाइंड करें, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है आपके पास और आप इसका एक वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी आप लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। आप देख सकते हैं ये लेंथ है, लेंथ है, तो ये सब लेंथ जो इन्वॉल्व है इसकी वजह से हम इसको जो ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। और ये ड्राइव क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटीज की मदद से ही बनती है। इसके अलावा स्पीड जो है वो जब आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई कार एक डिस्टेंस कवर कर रही है विद दिस स्पीड, तो हम जो स्पीड निकालते हैं दैट इज टेकन डी बाय टी। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं एस बाय टी। ठीक है, सर जो स्पीड स्पीड निकालते हैं इस तरह से, स्पीड इसका डिस्टेंस, एस जो है वो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से लेकर बी तक इसका डिस्टेंस निकले यहाँ पे एस, तो ये जो टोटल टाइम में कवर करेगी इसको हम एस बाई टी कहते हैं, और ये इसका स्पीड हो जाती है स्पीड। ठीक है, और स्पीड जो है वो ये जो अपने डिस्टेंस है ये भी लेंथ में मेयर करेगा, और टाइम इज ऑलरेडी बेस क्वांटिटी, तो दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, राइट। इसके अलावा बेस यूनिट्स क्या होते हैं और बेस क्वांटिटीज क्या होती है। बेस यूनिट ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे कि बेस यूनिट एस जो भी बेस क्वांटिटीज हैं जिसमें हमने मास पढ़ा है, लेंथ पढ़ा है, इन क्वांटिटीज को मेयर करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं, जिन यूनिट्स में ये क्वांटिटीज मेयर की जाती है उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। मास का यूनिट जो है वो हम बेस यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इस तरह लेंथ जो है इसका यूनिट लेंथ का यूनिट एल है, मीटर है। ठीक है, लेंथ जो है वो मीटर में मेयर की जाती है, मास एम से प्रेजेंट की जाते हैं। उसके अलावा है टाइम, और आपको पता है कि टाइम जो है वो मेयर की जाता है इन सेकेंड्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है, ट्रिक करंट, और इट इज मेयर इन यूनिट एम्पेयर। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज मेयर इन कैंडेला और इसको सी डी से प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा है टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है केल्विन में प्रेजेंट किया जाता है,
or amount of substance. Is measured in mole. ठीक है, और इसको ठीक है, तो ये बेस यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज को मेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज को मेयर करने के लिए यूज करते हैं वो हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये बेस क्वांटिटीज की टर्म में ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने पढ़ा है स्पीड, तो स्पीड जो है वो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था एस बाय टी या डी बाय टी। ठीक है, डी बाय टी, तो ये प्रेजेंट, ये जो डी और एस है दीज आर यूज टू प्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस है तो हम इसको डी, अगर ये डिस्टेंस है तो ये लेंथ का यूनिट है और ये मीटर में हम मेयर करेंगे, और टाइम आपको पता है सेकेंड में, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जो है वो हम मेयर करते हैं इसी तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बिकॉज यहाँ पर जो टी है ये टू टाइम्स डिवाइड होता है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर जो है वो और इसको हम पास्कल में लिखते हैं और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन आपको